आज मैं केले की बहुत ही बेहतरीन से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यानी कि बनाना मिल्क शेक। ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है और जिसे हम एज अ वेट गेन के रूप में भी यूज़ करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बनाना मिल्क शेक बनाने की रेसिपी, जिसे हम बिना ग्राइंडर और बिना मिक्सर के बनाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए हमें लेना है ये पके हुए केले। तो हमें ज़्यादा गले केले नहीं लेना है, नॉर्मली पके हुए केले का ही मिल्क शेक बनाना है। तो हम केले ले लेंगे और इसको हम छील लेंगे, छील कर इसका सारा छिलका उतार देंगे। तो इस तरह से हमें केले छील लेना है। तो हमें दो गिलास बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए दो केले का यूज़ करना होता है। तो ये छोटे हिस्से केले हैं, तो इसलिए मैंने तीन केला लिया है जिसको मैंने छील लिया है। तो अब हम छीलने के बाद एक बाउल लेंगे, तो उसमें हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेंगे। तो जितने छोटे छोटे पीसेस में हम कट करेंगे उतना ही ज़्यादा आसान रहेगा इसको मैश करने में, क्योंकि हमें इसमें कोई भी जूसर या ग्राइंडर का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हमें इसके पतले पतले पीसेस कट कर लेना है। तो अब हम लेंगे एक मैश करने वाला, जिसे हम आलू वगैरह मैश करते हैं, तो उसी से हम इसे मैश करेंगे। तो इसे हमें अच्छे तरीके से मैश कर लेना है जब तक ये पूरी तरीके से मैश नहीं हो जाता है, क्योंकि अगर ये सही से मैश नहीं होगा तो हमें उसमें केले के पार्ट्स दिखेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से मैश कर लिया है मैंने। तो अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास दूध। तो दूध को हम पहले उबाल लेंगे, उसको ठंडा करके ही इसमें हम लेंगे। तो एक गिलास इसमें मैंने दूध डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर, एक चम्मच डाल देंगे। आप विदाउट शुगर बनाना चाहते हैं तो शुगर मत डालिए। अब हम इसको बढ़िया सा फेंट लेंगे, तो जिसे हम बैटर वगैरह बनाते हैं ना, उसी से हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसको फेंटने से ना इसमें चीनी भी बढ़िया सी घुल जाएगी और ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएंगी। तो फेंटने के बाद हम इसमें डाल देंगे बर्फ़ के टुकड़े। तो बर्फ़ के टुकड़े डालना हो तो डालिए, वरना ऐसे ही बना लीजिए। फिर इसको हम फेंट लेंगे और इसको हम तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ये बर्फ़ पूरी तरह से घुल नहीं जाती है। तो देखिए अभी ये बर्फ़ घुल चुकी है, तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो हम गिलास में इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दो गिलास में इसको सर्व कर लिया है। फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, या तो आप टूटी फ्रूटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो इसमें डाल दीजिए। बनाना शेक की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन उसको मैंने मिक्सर में बनाया था, तो जो लोगों ने काफ़ी पसंद किया है उसको, तो मैंने सोचा मैं बिना मिक्सर और जूसर के आपको बनाना शेक की रेसिपी बताऊं। अगर आपको जूसर में बनाना है तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरी बनाना शेक वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर करना भी मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।